वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से हड़ताल कर रहे महाराष्ट्र राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आखिरकार अपनी हड़ताल को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध बताते हुए उसे तुरंत खत्म करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद देर रात हुई कोर कमेटी की बैठक में हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र राज्य पथ परिवहन निगम की हड़ताल पर हड़ताल को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को फौरन काम पर लौटने का आदेश दिया है। बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने में राज्य सरकार अब तक नाकाम रही थी। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि सरकार की ओर से कोई मांगों के संबंध में कोई आश्वासन मिलने के बाद यह कदम उठाया गया या हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। लेकिन हड़ताल खत्म होने से आम लोगों को भारी राहत मिली है। उम्मीद की जा रही है कि आज से MSRTC की बसें सुचारू रूप से दौड़ने लगेंगी। दिवाली के ऐन वक्त पर हड़ताल की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 16 अक्टूबर से हड़ताल पर थे। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते और परिवहन निगम के अधिकारियों ने यूनियनों के साथ बातचीत के प्रयास किए थे, जो कि विफल रहे। बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा था कि हड़ताल को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए। इस मसले पर काफी सियासत भी देखने को मिली। शिवसेना इस मसले पर कर्मचारियों के साथ खड़ी नजर आ रही थी। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक पहुंचा सके पहचान सच्चाई की। मैं दीपा, अराइव 24 न्यूज़।